छतरपुर के जिला अस्पताल में मौजूद बच्चा वार्ड के हर बिस्तर पर मरीज ही मरीज हैं। जिन बिस्तरों पर एक मरीज का इलाज हो सकता है उन पर दो दो मरीज लिटाए गए हैं। कारण है अस्पताल में क्षमता से अधिक मरीजों की उपस्थिति। दरअसल मौसम के बदलाव, गर्मी के शुरू होने और खान पान बिगड़ने के कारण इन दिनों बच्चों के बीमार होने की संख्या बढ़ गई है। जिला अस्पताल में बच्चों के वार्ड की कुल क्षमता 40 है, यानी कि यहाँ लगभग 40 बच्चे भर्ती हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 130 बच्चे भर्ती हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ बच्चों को बिस्तर नहीं मिले तो वे ज़मीन पर लेटे हैं। परिजन बताते हैं कि उनके बच्चे बुखार, उल्टी और दस्त से परेशान हैं। बच्ची कितने वर्ष की है आपकी? बच्चा लड़का है। कितने वर्ष का? डेढ़ साल। हाँ, क्या परेशानी थी इसको? दस्त लग रहा है। तो कितने दिन से यहाँ पर भर्ती है? कल भर्ती है। कल और क्या क्या दिक्कत हो रही थी? और कुछ नहीं। अब कैसी तबीयत है? ठीक है, आराम। बबीता बताओ, कहाँ की हैं आप? कहाँ की? मनकारी। बच्ची कितने वर्ष की है आपकी? बच्चा है 2 महीने का। क्या परेशानी थी इसको? बुखार था, उल्टी भी, दस्त भी लग रहा था। सर्दी। कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं आप? रात में आए थे, 11। कैसी है तबीयत? उपचार यहाँ पर अच्छा मिल रहा है? तो भीड़ भाड़ ज़्यादा है? ज़्यादा लोग बैठे हैं ना वार्ड में, ज़्यादा लोग दिखाने आए हैं ना। इस मामले में जहां अस्पताल पर अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है, वहीं निजी क्लिनिक पर भी बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर अरविंद सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि वे इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों वायरल फीवर के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसका असर बड़ों के वार्ड में भी दिख रहा है। जिला अस्पताल में मेल वार्ड में लगभग 81 मरीजों के भर्ती होने की क्षमता है, लेकिन यहाँ 105 मरीज भर्ती हैं। इन्हें भी वायरल फीवर और डायरिया जैसे लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि इन दिनों सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर, लगातार सीजन में बीमारी बढ़ती जा रही है, मरीजों को परेशानियाँ हो रही हैं, सर किस तरह की बचाव के उपाय बताएंगे सर? सबसे पहले तो अपने घर से जितना ज़रूरी हो उतना अपना पेट खाना पीना खा के खाली पेट नहीं निकलें, अच्छे से पानी पी के पूरी डाइट करके ही निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचाव किए रहें। और बहुत ज़रूरी हो तो अपना मास्क लगा के और धूप से बचने के भी पूरे अपने इंतजाम करके घर से बाहर निकलें। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा खुले में रहना पड़ रहा है तो छाता ले कर निकलें, पूरी स्लीप वाले कपड़े ले कर निकलें और अपना पानी की बोतल साथ में ले कर चलें। और अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप काम कर रहे हैं तो अपना मास्क लगा के रखें और अपना आपको हाइड्रेट करके रखें। कोई भी अगर सिम्टम लगते हैं शरीर में तो उसकी तुरंत ही उस पर ध्यान दें और उसकी तुरंत जांच कराएं। सर, इन दिनों किस तरह तरीके मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं अस्पताल में अभी देखा जाए तो? अभी जनरली जैसे तेज बुखार आना पेशेंट को, पेट में तकलीफ होना, लूज मोशन होना, वोमिटिंग होना, इस प्रकार के पेशेंट की संख्या अभी हॉस्पिटल में ज़्यादा कर रहे हैं। तापमान अधिक बढ़ रहा है तो लोग? हाँ, तापमान अधिक ज़्यादा बढ़ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, पेशेंट को हीट स्ट्रोक की भी रिस्क रहती है। तो बहुत ज़्यादा तेज धूप में जाने से बचना चाहिए। हीट स्ट्रोक के जो भी उपाय रहते हैं जैसे छाता लेके चलना, फुल कपड़े पहन के रहना, तो इन सब चीज़ों को अपने तरीके से अपनाना चाहिए। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बुखार आता है, बहुत पेशेंट को बेहोशी टाइप की रहती है, पेशेंट को अगर पसीना आना बहुत कम होने लगता है या पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियन जिसको मेडिकल की भाषा में बोलते हैं, उसको समझ कम पड़ रही है बुखार के साथ में, तुरंत ही उसको चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए। थैंक यू सर।